हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज हम लोग सेक्शन वन कर रहे हैं और आज उस भाग में हम लोग मोटिवेशन टॉपिक करेंगे। अभी प्रेजेंट कल हम लोगों ने नेतृत्व किया। नेतृत्व को मैंने दो भाग में बांट कर किया था। एक में नेतृत्व को इन जनरल किया था, दूसरा में उसके सिद्धांत उसको किया था। आज हम लोग अभी फिलहाल अभी प्रेरण करेंगे। ये भी टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है बीपीएससी में, और इस पर क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसको भी हम लोग मोटा मोटी दो भाग में बांट देंगे। आज हम लोग हर्ज़बर्ग और मास्लो जो प्रेरण के क्षेत्र में योगदान दिए हैं सो करेंगे, और कल फिर करेंगे और भी जो बाकी सिद्धांत अभी प्रेरण के क्षेत्र में उस पर वर्कआउट करेंगे। प्लस एक मनोबल भी टॉपिक है, उसको अगले क्लास में उसको एडजस्ट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, प्रशासनिक व्यवहार में अभिप्रेरण का एक खास महत्व है। अभिप्रेरण जो होता है वह समझ लो ईंधन के भांति है, ऊर्जा के भांति है। जैसे सपोज करो गाड़ी में अगर ईंधन नहीं हो तो गाड़ी चल नहीं सकता है। उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में अगर अभिप्रेरण नहीं होगा तो उसका जीवन रुक जाएगा। अभिप्रेरण आप समझ लो कि वही जो है आपको एक ऊर्जा प्रदान करता है, एक ताकत प्रदान करता है, एक उम्मीद प्रदान करता है जिसमें व्यक्ति काम करता है। अभिप्रेरण का अंग्रेजी क्या होता है? मोटिवेशन होता है। और मोटिवेशन को हम लोग मोटिवेशन शब्द जो है वह लैटिन शब्द मोवियर से बना है, MOVERE, मोवियर से बना, और जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। क्लियर है? वैसे ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में मोटिवेशन एक कहा जाता है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति जो होता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या होता है, सक्रिय होता है, ऊर्जावान होता है, तत्पर होता है, तो उस प्रक्रिया को हम अभिप्रेरण कहते हैं। जैसा कि देखो, सवेरे से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि मैं कहूँ व्यक्ति का हर व्यवहार अभिप्रेरण का परिणाम है तो कोई गलत नहीं होगा। संडे के दिन जिस दिन क्लास नहीं रहता है आप निढाल पड़े रहते हो, कारण उस दिन अभिप्रेरण काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन जिस दिन ऑफिस जाना होता है उसके लिए अभिप्रेरण सवेरे से ही काम करना शुरू कर देता है। अलार्म बज रहा है, आप बार बार अलार्म बंद किए जा रहे हो, ऐसा लगता नहीं उठ जाना चाहिए। अब उठने की इच्छा जो होती है अभिप्रेरण होता है, और फिर आपको बिस्तर छोड़ने के लिए प्रेरित कर देता है। फिर सवेरे उठकर लोगों का फ्रेश होना बहुत जरूरी है, या बहुत लोगों को चाय पीने की आदत होती है, बेटी पीने का या मॉर्निंग में सबसे पहला काम चाय पीने का, तब उसके लिए भी प्रेरण काम करना शुरू हुआ। अगर उसको चाय खुश नसीब है तो चाय मिल गया, खुद अपने किचन में जाएगा, चाय बनाएगा, पिएगा, समझ रहे? तो है चाय पिया, फिर चाय के लिए ही प्रेरण खत्म हो गया, अब तैयार होने का ही प्रेरण। इस प्रकार सवेरे से लेकर शाम तक रात में भी काम करते करते जब थक जाता है, बार बार जमाई आ रही है, आंख बंद हो रहा था, अब आराम कर लेना चाहिए। अब उसको आराम करने का जो इच्छा होता है, प्रेरण होता है, वह सब बंद करके सो जाता है। इस प्रकार सवेरे से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी अभिप्रेरण के इर्द गिर्द भागते रहता है। ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में देखो, ऑर्गेनाइजेशन का आकार बहुत बड़ा होता है, कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आप सोचो कि जो हेड होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ या जो प्रधान हुआ, वह पूरे संगठन के क्रियाकलाप के लिए उत्तरदायी, तो वह पूरे अपने अधीनस्थ के क्रियाकलापों की कैसे सुनिश्चित कर सकता है? सामने बैठा कर तो उसको अपना काम कर नहीं सकता है, तो फिर उन्हें से कैसे करेगा? तो उसमें प्रेरण जागृत करेगा। तो नेतृत्व के माध्यम से वो क्या करता है, प्रेरण जगाता है, लक्ष्य प्राप्ति करने की इच्छा जगाता है। उसके बाद तो कर्मचारी अपना काम करने लगते हैं। तो नेता का काम क्या है? कर्मचारी को मनो इच्छा शक्ति जागृत करना, अभिप्रेरित करना, उसके मनोबल को ऊंचा उठाना, उसको सजेस्ट करना, सहयोग देना, समय मार्ग दिखलाना, वगैरह वगैरह। तो अभिप्रेरण क्या हुआ? एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवहार हुआ। हमने आपको बताया था कि प्रशासनिक व्यवहार में जैसे निर्णय को हृदय कहते हैं कि नहीं, कि प्रबंध का हृदय हो गया। नेतृत्व को कह लो नर्व सिस्टम कह लो, तो फिर संचार को रक्त धारा कह लो, तो फिर अभिप्रेरण को क्या बोलेंगे? अभिप्रेरण को ईंधन कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे, समझ रहे हैं, जो उसको चलायमान बनाता है। और मनोबल को क्या कहेंगे? स्वास्थ्य है, जो ऊर्जा को पेरेनियल सोर्स प्रदान करता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे,
तो आप निरंतर ऊर्जा पाते रहोगे और लगातार आप काम करते रहोगे। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो ये प्रेरण प्रशासन में सर्वोपरि महत्वपूर्ण व्यवहार है, समझ रहे हैं? और वो जो होता है आपके क्रियाकलापों को आगे बढ़ाता है। अगर मैं बोलूं ये प्रेरण नहीं तो जीवन नहीं, तो कोई गलत नहीं होगा। आज मनुष्य इस सभ्यता में इस मुकाम पर पहुंचा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सही मनुष्य में अंदर काम कर रहा है प्रेरण उत्तरदायी है, होता है कि नहीं होता है? जिस दिन उत्तरदायी अभिप्रेरण काम करना बंद कर देगा मनुष्य में, वो जहाँ वही खड़ा हो जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा, जीवन रुक जाएगा। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि आदमी मर जाए, उस आदमी क्या होता है, जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। जब जीने की इच्छा खत्म हो गई और प्रेरण जीने का है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? आदमी हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, उदासीन होगा, छोड़ देगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रेरण, बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रेरण का प्रशासन में बहुत अधिक महत्व है। अभी हम उसी पर वर्कआउट करते हैं। यही प्रेरण का बीपीएससी में 3-4 दफा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो बीपीएससी में आया है उसको पहले एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर वर्कआउट कर लूँ जो हाल में आया था। वो आया था आपका कह सकते हो 53वां 55वां में। उसमें पूछा गया था हरिभक्त के द्विघटकीय उत्प्रेरण सिद्धांत पर प्रकाश डालिए और यह भारतीय लोक सेवाओं पर किस प्रकार लागू किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आया था हाल में, मतलब 53वां 55वां, और पिछले भी दफा भी आया, महसूलों पर भी क्वेश्चन आया है, प्रेरण पर भी, हरिभक्त पर भी। लेकिन ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में ही पूछा गया है, यानी 53वां 55वां के बाद से क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आया। तो इस बार एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन आवे। तो ये प्रेरण को जैसे आपको मैंने बताया, ये प्रेरण क्या हुआ, ये प्रेरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए इच्छा शक्ति जागृत करता है, ऊर्जावान बनाता है, समझ रहे? इसको विभिन्न विचारक ने अलग अलग शब्दों में क्या किया है, परिभाषित किया है। तो एक दो चार परिभाषा, जैसे भी आप जो सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं तो एक दो परिभाषा आपको चाहिए ही चाहिए। फ्रेड लुथेंस क्या कहता है, फ्रेड लुथेंस कहता है कि अभिप्रेरण वह प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जो किसी मनो कह सकते हो शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक अपर्याप्तता अथवा आवश्यकता के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है और व्यवहार को क्या करता है, लक्ष्य की ओर दिशा निर्देशित करता है और यह सक्रिय करता है। तो फ्रेड लुथेंस का डेफिनेशन क्या हुआ, मैं फिर से बोल दूं, अभिप्रेरण वह प्रक्रिया, एक प्रक्रिया है जो किसी शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक अपर्याप्तता अथवा आवश्यकता के कारण उत्पन्न होता है और जो व्यवहार को लक्ष्य के और क्या करता है, सक्रिय बनाता है। उसी प्रकार कुंज और ऑर्डिनल्स का डेफिनेशन देख लो। कुंज और ऑर्डिनल का डेफिनेशन क्या कहता है, कहीं प्रेरण मतलब कह सकते हो इच्छा कह लो, अभिलाषा कह लो, आवश्यकता कर लो, आकांक्षा कर लो, या इसी प्रकार के समान मतलब अर्थ के मतलब संपूर्ण वर्ग को कह सकते हो, संपूर्ण वर्ग को अभिप्रेरण कहा जाता है। जो करता क्या है, बताइए, जो एक व्यक्ति को या व्यक्ति के समूह को कार्य पर बनाए रखता है, यानी कह लो अभिप्रेरण एक समान अवधारणा है जो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इच्छा, आवश्यकता, अभिलाषा, आकांक्षा और समरूप प्रकार के बल के लिए जो व्यक्ति और व्यक्ति के समूह को क्या करता है, कार्य पर बनाए रखता है। उसी प्रकार देखो बेरालसन और स्टेनर का डिफिनेशन भी, बेरालसन और स्टेनर क्या कहते हैं कि अभिप्रेरण जो है एक आंतरिक अवस्था है, जो एक आंतरिक दशा है, जो कैसे उत्पन्न होता है, बताइए, जो आपके व्यवहार को लक्ष्य की ओर क्या करता है, आपके व्यवहार को लक्ष्य की ओर उत्पन्न करता है, सक्रिय करता है और दिशा निर्देशित करता है। तो अभिप्रेरण बड़ा इम्पोर्टेंट चीज हुआ। और मॉर्गन क्या कहता है कि अभिप्रेरण जो हुआ वो एक समान अवधारणा है जो आवश्यकता द्वारा उत्पन्न व्यवहार के लिए प्रयुक्त होता है और वह किधर होता है, लक्ष्य प्राप्ति की ओर दिशा निर्देशित होता है। तो जितने डिफिनेशन है सब मोटा मोटी यही कह रहा है कि अभिप्रेरण क्या हुआ, अभिप्रेरण कह सकते हो, अभिप्रेरण एक कह सकते हो बहुत सारे घटक, यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक आंतरिक अवस्था है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी शारीरिक आवश्यकता या फिर मनोवैज्ञानिक आवश्यकता या अपर्याप्तता या किसी लक्ष्य प्राप्ति के
कारण उत्पन्न लक्ष्य प्राप्ति के आकांक्षा आवश्यकता या किसी और कारण से उत्पन्न होता है और व्यवहार को क्या करता है, व्यवहार को कार्य पर बनाए रखता है, व्यवहार को लक्ष्य प्राप्ति के प्रति दिशा के और दिशा निर्देशित करता है, सक्रिय करता है, ऊर्जावान बनाता है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम से आप समझ सकते हो अभिप्रेरण वह प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति में क्या करता है, किसी आवश्यकता पूर्ति के लिए, अपर्याप्तता को दूर करने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए क्या करता है, इच्छा शक्ति जागृत करता है। जब इच्छा शक्ति जागृत हो जाता है व्यक्ति में तो क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। तो उसके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो व्यवहार में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, वह लक्ष्य निर्देशित सक्रिय हो जाएगा, लक्ष्य दिशा लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सक्रिय हो जाएगा। जब लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सक्रिय होगा तब लक्ष्य प्राप्ति भी होगी, संतुष्टि भी होगी। लेकिन यहाँ पर प्रक्रिया खत्म नहीं होता है, क्योंकि जैसे एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि दूसरी इच्छा मुंह बाए खड़ी है, इस प्रकार ये प्रक्रिया लगातार चलते रहता है, समझ रहे हैं। और एक डायग्राम दो यहाँ मैंने इस स्केच में दो बतलाने की कोशिश किया है, एक जो ब्लैक वाला है उसको जरा देखना। मैंने बताया कि प्रेरण इच्छा शक्ति जागृत करता है, व्यवहार है परिवर्तन लाता है, लक्ष्य निर्देशित सक्रियता लाती है, और उसका लक्ष्य प्राप्ति संतुष्टि और अन्य इच्छा का परवलीकरण करता है। और दूसरा मैंने बताया कि प्रेरण आपने इच्छा उत्पन्न किया, इच्छा से तनाव उत्पन्न हुआ, तनाव से सक्रिय आप हुए, सक्रिय होंगे तो या तो सफल होंगे या विफल होंगे, जब सफल होंगे तो संतुष्टि होगा, लेकिन फिर उसकी पुनरावृत्ति आपको क्या करने लगी, फिर उसकी जो संतुष्टि की जो पुनरावृत्ति जो है वो आपको फिर प्रेरित करती रहेगी उस तरह से। और यदि कोई विफल हो गया तो पुनर्प्रयास करेगा, और फिर इस तरह से प्रक्रिया चलते रहता है। तो ये प्रेरण मोटा मोटी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हुआ, एक प्रशासनिक व्यवहार हुआ, एक आंतरिक प्रक्रिया हुआ जो व्यक्ति में किसी आवश्यकता पूर्ति या लक्ष्य प्राप्ति के कारण, लक्ष्य प्राप्ति के आकांक्षा आवश्यकता के कारण उत्पन्न होता है, व्यवहार को प्रभावित करता है और उसे लक्ष्य प्राप्ति की ओर निर्दिष्ट करता है, सक्रिय बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन, क्लियर। जैसे भी उदाहरण के तौर पर आप इस तरह ले लो, आप सब ग्रेजुएट हो गए हो, अब आपको एक ठोस प्रतिष्ठित मतलब स्थापित आजीविका की तलाश है, ये आपकी आवश्यकता है, रोजगार पाना आपकी आवश्यकता है, आप पर्याप्तता है। अगर आप अभी रोजगार नहीं पाए तो एक डिफिशियंसी आपको है कि आप कम से जल्द एक अच्छा रोजगार पाए। तो जो आवश्यकता है या जो अपर्याप्तता है ये क्या कर रहा है, आपके अंदर में क्या कर, इच्छा शक्ति जागृत कर रहा है, और इच्छा शक्ति जागृत हो रहा है उसी का नतीजा कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, आप मेरे क्लास को सुनते हो, उस पर वर्कआउट करते हो और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सक्रिय हो गए, फॉर्म भर रहे हो, एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। तो जब एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्ति भी होगी, लक्ष्य प्राप्ति होगी तो संतुष्टि भी मिलेगी, लेकिन संतुष्टि होगी तो आप ये समझ रहे हो कि आपकी समस्या खत्म होगी, ऐसा नहीं है। जैसे अभी नौकरी मिला फिर उसकी आवश्यकता पूरी हुई तो फिर शादी ब्याह बाल बच्चा, उसी प्रकार व्यक्ति जीवन पर्यंत इसी आवश्यकताओं के पीछे भागते फिरते रहता है। क्लियर हुआ, आइए उसको दूसरा समझो कि अभिप्रेरण है आपके अंदर, अब नौकरी का पाने की इच्छा अभिप्रेरण आप में इच्छा शक्ति जागृत कर रहा है, आपने तनाव उत्पन्न कर दिया है, आपको सक्रिय बना दिया है, अब आप सफल हुए, फिर सफलता में अगर ऐसे कोई नीचे रैंक मिला और ऊपर रैंक करने के लिए फिर आप पुनरावृत्ति करोगे, फिर प्रोसेस चलते रहेगा। समझे, अगर कोई आदमी असफल हो गया तो फिर से प्रयास करेगा, फिर प्रक्रिया को दोहराएगा, इस प्रकार अभिप्रेरण लगातार चलते रहता था। अभिप्रेरण बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, आप समझ लो आपके सर व्यवहार को क्या कर रहा है, निर्धारित प्रभावित करता है। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ये स्टेटमेंट मैसलो का है कि जो मनुष्य का जो व्यवहार होता है, समझ रहे, मनुष्य का व्यवहार किससे निर्धारित होता है, बताओ। तो मनुष्य का व्यवहार निर्धारित होता है उसके जैविकता से, उसके संस्कृति से और उसके पर्यावरण से, समझ रहे, तीन, बायोलॉजिकली कल्चरली और सिचुएशनली एनवायरमेंटली उसका व्यवहार निर्धारित होता है। और फिर प्रभावित कैसे होता है, प्रेरण से। तो प्रेरण क्या कर सकता है, उसको चार्ज कर सकता है या डिस्चार्ज कर सकता है।
चार्ज कर देगा, तो आप जिधर जाना चाहे उधर आप काम निकल पड़े, और डिस्चार्ज है तो आप जाओ, मैं सोए हुए हो, रुके हुए हो, निस्तेज पड़े हुए हो। तो प्रेरण जो होता है वह अभिप्रेरण क्या करता है, व्यवहार को प्रभावित करता है, व्यवहार को उत्पन्न नहीं करता, व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यवहार को उत्पन्न तो उसकी जैविकता करता है, उसके संस्कृति करता है और उसका पर्यावरण करता है। व्यवहार को उत्पन्न वो करता है और अभिप्रेरण उसको प्रभावित करता है, और लक्ष्य प्राप्ति के दिशा में क्या करता है, मोड़ता है, ले जाता है, सक्रिय करता है, वगैरह वगैरह। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, क्लियर है? तो आप यहाँ पर देख लो, बड़ा इम्पोर्टेंट है अभिप्रेरण, बहुत इम्पोर्टेंट है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, समझ रहे? यह एक प्रशासनिक व्यवहार है। रैंसिस लिकट कहता है कि यह प्रबंध का हृदय, वेरी नाइस, यह प्रबंध का हृदय। अब अभिप्रेरण अगर आप में होगी तो आपको क्या फायदा क्या होगा, अभिप्रेरण आप अगर काम कर रही होगी तो आप जो होंगे ऊर्जा महसूस करोगे, आप बल महसूस करोगे, समझ रहे? आप अपने कार्य और लक्ष्य प्राप्ति पर बने रहोगे और उस पर लगातार बढ़ते रहोगे। आप पर अवसाद, निराशा ये सब छूने नहीं पाएगा आपकी, समझ? आपको अपने ऊपर नियंत्रण बना रहेगा, समझ रहे? यह आपके विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा, यह आपके समझ संतुष्टि प्रदान करेगा। अभिप्रेरित होने का मतलब संतुष्ट होना नहीं होता है, अभिप्रेरण होंगे तो प्रयास करेंगे, लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तब संतुष्टि मिलेगी। अभिप्रेरण क्या है, लक्ष्य प्राप्ति का और संतुष्टि का जरिया है, समझ रहे? यह समझ रहे आपके विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा, आपको संतुष्टि प्रदान करेगा, संगठन के लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा, उत्पादकता बढ़ाएगा, संगठन का इमेज बढ़ाएगा। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी मतलब कह सकते हो कि अगर कर्मचारी कम अभिप्रेरित है तो मजबूत से मजबूत संगठन को भी क्या कर देंगे, बैठा देंगे। देखते हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में शायद ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी का अभिप्रेरण कई कारणों से ऊंचा नहीं हो पाता है। नतीजा क्या होता है, इतना बड़ा संगठन सरकारी रहता है वो भी कमजोर पड़ जाता है, और छोटा मोटा देखते हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वह अपने बल से, अपने तौर तरीकों से कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित करके या अभिप्रेरण को प्रभावित करके काफी अच्छा निष्पादन ले लेता है। इस प्रकार अभिप्रेरण से क्या होता है, ऑर्गेनाइज आपका तो भला होगा ही होगा, आपकी आवश्यकता तो पूरा होगी ही होगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का ये भला होता है, उसका इमेज सुधरता है, उसके कारपोरेट इमेज सुधरता है, उस पर लोग भरोसा करता है, उसका डिमांड बढ़ जाता है, उसके उस पर लोग रिलाय करते हैं, वगैरह वगैरह। तो अभिप्रेरण बड़ा इम्पोर्टेंट, समझ आइए आपको। तो मैंने भी आपको बताया कि संगठन में नेतृत्व का काम क्या है, संगठन में नेतृत्व का काम यही है कि अपने अंदर जितने काम कर रहे कर्मचारी उसके मनोबल को ऊंचा रखे, उनके अभिप्रेरण को ऊंचा रखे, उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वतः उत्प्रेरित करे, मतलब खुद तैयार रहे कि अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगे रहे, समझ रहे हैं? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है? तो ये प्रेरण के तकनीक क्या हुआ, कोई बता सकते हो? तो ये प्रेरण का दो तकनीक हुआ, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, देयर कैन बी टू टेक्निक्स। पहला टेक्निक हुआ दंड और पुरस्कार, समझ? दंड और पुरस्कार यानी किसी व्यक्ति को दंड का भय दिखाकर या पुरस्कार का आकर्षण दिखलाकर आप उसे प्रेरित कर सकते हो। और दूसरा होता है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट का क्या होता है, जो काम कर रहा है उस कार्य का मात्रा, गुणवत्ता, उसका सम्मान, प्रतिष्ठा वगैरह बढ़ाकर भी किसी व्यक्ति के अभिप्रेरण को आप बढ़ा कर सकते हो, समझ रहे? तो दो हुआ, जो दो टेक्निक हुआ अभिप्रेरण का। पहला हुआ, पहला कौन हुआ, पहला हुआ आपका कह सकते हो कैरोटिनिस्टिक, दंड और पुरस्कार, और दूसरा हुआ आपका जॉब एनरिचमेंट, कार्य समृद्धिकरण। अभिप्रेरक जैसे अभिप्रेरण में अभिप्रेरक कई प्रकार का होता है, जैसे अभिप्रेरक को हम लोग मोटिवेटर कहते हैं, यानी वह घटक जो आपको अभिप्रेरित करता है उसको अभिप्रेरक कहते हैं। तो अभिप्रेरक को हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं, भौतिक और गैर भौतिक। भौतिक मतलब इसका फिजिकल, और दूसरा नॉन फिजिकल। तो फिजिकल में कौन आ गया, फिजिकल को भी हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, वित्तीय और गैर वित्तीय, मतलब जो एक पैसा कौड़ी में हुआ, एक दूसरा गैर पैसा कौड़ी में हुआ, जो सरकार दशा वगैरह आता है। और गैर भौतिक में कौन आ गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, जो प्रशंसा हुआ, आत्मसम्मान हुआ, उपलब्धि की भावना हुआ,
चुनौती का अवसर हुआ, वो सब क्या होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। और ये जो होता है पैसा हुआ, कार्यदशा हुआ, समय लाभ हुआ, ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, ये सब क्या हुआ, भौतिक में आता है। तो सबसे बड़ा प्रेरण तो क्या रुपया ही माना जाता है, मुद्रा को सबसे, इन मनी को सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेटर माना जाता है। आप देखते हो जहाँ कुछ भी काम नहीं करता और मनी तो काम कर ही लेता, किसी से भी काम करवाना हो आप पैसा देख लाइए सबका। एक बार नीरज जी, नीरज जो देखिएगा, श्री चौधरी जो पैसेज टू इंडिया किताब लिखा था, उस किताब में उन्होंने बड़ा बढ़िया तरीका से लिखा था कि इंडिया इज सॉफ्ट स्टेट, और यहाँ पर ना हर आदमी को मैनिपुलेट कर सकते हो, किसी न किसी मनी से मैनेज कर सकते हो। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो चलो हम लोग यहाँ पर फिर वर्कआउट करते हैं कि प्रेरण में सबसे बड़ा ही प्रेरक तो खुद मुद्रा हुआ, मनी हुआ, धन हुआ, लेकिन ऐसे ही प्रेरक दो प्रकार का हुआ, भौतिक और गैर भौतिक। भौतिक को हमने दो वर्गों में बांट दिया, वित्तीय मौद्रिक और गैर मौद्रिक, ठीक है। तो दिस इज बेसिक पॉइंट। और ये प्रेरक के तीन दो तकनीक बतलाया, एक तकनीक मैंने क्या बतलाया, एक तकनीक जो होता है वो हो गया आपका दंड और पुरस्कार, और दूसरा कार्य समृद्धिकरण। अब हम बतलाते हैं कि प्रेरण चूंकि प्रबंध का हृदय है, प्रेरण जो है आपके व्यवहार का कारक है, प्रेरण ईंधन के बाती है, प्रेरण ऊर्जा के बाती है, वह आपको ऊर्जा प्रदान करती है, उल्लास प्रदान करती है, आत्मबल प्रदान करती है, आत्मनियंत्रण प्रदान करती है, आपको अपने काम पर बनाए रखती है, आपको काम लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग देती है, आपको संतुष्टि प्राप्त करने में सहयोग देती है। तो ये प्रेरण तो निश्चित रूप से बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए खोज खबर तो इसका होता ही होगा। इस संदर्भ में प्रेरण के कई सिद्धांत विकसित हुए, तो सिद्धांत को हमने दो वर्गों में बांट दिया, एक को पारंपरिक सिद्धांत कहते हैं, एक को व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। तो पारंपरिक सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, जो पुराना सिद्धांत है, जो पहले चलता था, जो शास्त्रीय चिंतन पर आधारित है, इसको दंड और पुरस्कार का सिद्धांत कह सकते हो, अभिप्रेरण का एकल सिद्धांत कह सकते हो, या अभिप्रेरण का आर्थिक सिद्धांत कह सकते हो। इसमें व्यक्ति को क्या माना जाता है, आर्थिक प्राणी माना जाता है, और माना जाता है कि एक व्यक्ति या तो दंड का भय से या पुरस्कार के आकर्षण से ही अभिप्रेरित हो सकता है। क्लियर है, एक व्यक्ति को केवल दंड से या पुरस्कार के भय से आप आकर्षित कर सकते हो, समझ, या अभिप्रेरित कर सकते हो। टेलर हुए, हेनरी फेल हुए, जितने दूसरे शास्त्रीय विचारक हुए, सब इसी का समर्थन के, टेलर का मतलब आपका लोटेर वैज्ञानिक सिद्धांत में दंड और पुरस्कार को ही केंद्र बिंदु पर रखा गया है, और भी जितने शास्त्रीय विचारक सब इसी का समर्थन किया है। लेकिन कालक्रम में यह माना गया कि संगठन में मौद्रिक घटक के अलावे, आर्थिक घटक के अलावे सामाजिक मनोवैज्ञानिक घटक भी होते हैं, जो प्रेरण को प्रभावित करते हैं, जिस पर शास्त्रीय सिद्धांत विचार नहीं करता, दंड और पुरस्कार का सिद्धांत विचार नहीं, उसको छोड़कर बाद व्यवहारवादी सिद्धांत डेवलप हुआ। व्यवहारवादी सिद्धांत में हम देखते हैं अभिप्रेरण व्यवहार में क्या काम करता है, कैसे आचरण करता है, वगैरह वगैरह। इसमें व्यवहारवादी सिद्धांत पर बहुत सारे सिद्धांत डेवलप हुए, उन सिद्धांत को हमने दो वर्गों में बांट देना है, एक को कंटेंट थ्योरी कहते हैं, एक को प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। कंटेंट थ्योरी का मतलब होता है अंतर्वस्तु सिद्धांत या प्रक्रिया सिद्धांत, जैसा नाम से हो रहा है कि सिद्धांत में हम उन घटक का, उन अंतर्वस्तु की पहचान करते हैं जो प्रेरण का कारण बनते हैं, और इसमें हम लोग उन चरणों का, उन प्रक्रिया का चिन्हित करते हैं जो अभिप्रेरण में प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें हम अभिप्रेरण के क्या पक्ष पर विचार करते हैं, इसमें हम अभिप्रेरण के कैसे पक्ष पर विचार करते हैं, मतलब इसमें देखते हैं अभिप्रेरण कैसे बोलता है, मैसलो क्या बोलता है, अपूर्ण आवश्यकता अभिप्रेरण के लिए उत्तरदायी होता है, हर्ज़बर्ग क्या बोलता है, कार्य अभिप्रेरण के लिए उत्तरदायी होता है, और यह सब मॉडल में क्या देखते हैं, कैसे वर्चुअली अभिप्रेरण काम करता है उसको देखते हैं। क्लियर है। तभी जैसा कि आपको मैंने बताया कि अभी हम लोग शुरू कर सकते हैं मैसलो का प्रतिमान। मैसलो जो है अभिप्रेरण के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण शख्स है। आप समझ लो कि जैसे कह सकते हैं अभिप्रेरण में दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, मैसलो और हर्ज़बर्ग। यूपीएससी के सिलेबस में भी इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आया है और अक्सर आते ही रहता है। तो मैसलो का पूरा नाम हुआ अब्राहम मैसलो, ये व्यवहारवादी विचारक हुए, ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से अभिप्रेरण को समझाने का प्रयास किए। इनका लेख जो था ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943 में आया था, इसमें उन्होंने
नीड हायरार्की थ्योरी डेवलप किया था, आवश्यकता सोपान प्रतिमान डेवलप किया था। और इनका किताब का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, जो 1954 में प्रकाशित हुआ। 1954 में इनका किताब आया था मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, और इनका लेख आया था द थ्योरी ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943 में। इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि अपूर्ण आवश्यकता जो होता है वही अभिप्रेरण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी आवश्यकता जो पूरा नहीं हुई वही आपको अभिप्रेरित करती है। इन्होंने इच्छा और आवश्यकता को डिफ्रेंशिएट भी किया है। इच्छा और आवश्यकता का फर्क क्या होता है, वह इच्छा जिसे आप पूरा कर सकते हैं वह आवश्यकता है, और जो इच्छा को आप पूरा नहीं कर सकते वह इच्छा ही है। तो इच्छा प्लस क्षमता इज इक्वल टू आवश्यकता। तो इन्होंने बोला कि अपूर्ण आवश्यकता जो होता है वह आपके अभिप्रेरण के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अपूर्ण आवश्यकता क्या करेगा, इच्छा शक्ति जागृत करेगा, व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, लक्ष्य निर्देश सक्रियता लाएगी, और फिर ये प्रोसेस चल पड़ेगा। तो अपूर्ण आवश्यकता, इन्होंने मनुष्य के सभी आवश्यकताओं को 5 वर्गों में बांट दिया है। तो कौन कौन आवश्यकता मनुष्य का होता है, मतलब मनुष्य का 5 आवश्यकता कौन कौन होता है। एक आवश्यकता कहता है उसने शारीरिक आवश्यकता, दूसरा आवश्यकता को कहता है सुरक्षा आवश्यकता, तीसरा आवश्यकता कहता है सामाजिक आवश्यकता, चौथा आवश्यकता कहता है प्रतिष्ठा आवश्यकता, और पांचवा कहता है स्व यथार्थीकरण की आवश्यकता। उन्होंने मनुष्य के सभी आवश्यकताओं को 5 वर्गों में बांटा है और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर क्रम में सजाया है, जिसे आवश्यकता सोपान प्रतिमान कहते हैं। तो उसके सबसे नीचे प्रथम आवश्यकता कौन आता है, शारीरिक आवश्यकता आता है। उसके बाद क्रम में कौन आता है, सुरक्षा आवश्यकता आता है। उसके बाद क्रम में कौन आता है, सामाजिक आवश्यकता आता है। फिर क्रम में कौन आता है, प्रतिष्ठा आवश्यकता आता है। फिर अंत में क्या आता है, स्व यथार्थीकरण की आवश्यकता आता है। जब बच्चा जन्मता है अमूमन तो क्या उसकी सबसे आवश्यकता इम्पोर्टेंट होती है, शारीरिक आवश्यकता। और जब जीवन जी रहा होता पूर्ण जीवन, तो फिर क्या होता, प्रतिष्ठा और अपने सपनों को साकार करना, स्व यथार्थीकरण की आवश्यकता इम्पोर्टेंट। बचपन में सुरक्षा संबंधी आवश्यकता उसका इम्पोर्टेंट होता है, स्कूलिंग कराते हैं ताकि वह सोशलाइज हो सके, सामाजिक आवश्यकता के पूर्ति करने के लिए। क्लियर है? तो यह मनुष्य का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन है, शारीरिक आवश्यकता है। इसको आप जैविक आवश्यकता कह सकते हो। यह मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, इसके बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। इसमें रोटी, कपड़ा, मकान, काम कह सकते हो, निद्रा, समझ, यह सब जल वगैरह सम्मिलित होता है जो सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। कहते हैं ना, ये आवश्यकता मतलब कुछ इस प्रकार की, इसके आस में व्यक्ति मतलब बहुत दिन तक सरवाइव कर सकता है, समझ, इसके लिए बहुत स्ट्राइक भी कर सकता है। अगर सारे का आवश्यक नहीं, कभी आप पिछले दिन हो, अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन हो गया कि नहीं हुआ। अब लॉकडाउन हो गया तो जो श्रमिक भाई थे, प्रवासी मजदूर थे, जो सवेरे दिन में दिन भर काम करते, शाम में पैसा कमाते और जीवन यापन करते, उनके सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यकता क्या थी, भोजन की आवश्यकता, रोटी की आवश्यकता। और जब लॉकडाउन हो गया तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट समस्या हो गया, वो खाए क्या, कैसे रहे। सरकार की व्यवस्था भी उन्हें अपर्याप्त नजर आया, जो कोई जाने की व्यवस्था उन्हें नजर नहीं आया। अपने गृह राज्य उन्हें लगा कि कम से कम घर पे रहेंगे तो बेसिक आवश्यकता तो पूरी हो ही जाएगी। नतीजा क्या हुआ, सब पैदल चल पड़े, हजारों हजार किलोमीटर पैदल चले गए। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो भारत ने ये मंजर देखा वो ऐतिहासिक है। आज तक कभी ऐसा देखा नहीं गया होगा कि घर 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर लोग पैदल जा रहा है, कोई साइकिल जा रहा है, कोई ठेला जा रहा है, इस तरह से। क्यों? क्योंकि शारीरिक आवश्यकता पूरा नहीं हो रही थी, भोजन कपड़ा इत्यादि की बुनियादी आवश्यकता नहीं पूरी हो रही थी, इसलिए लोग चल पड़े थे। क्लियर है? नहीं, आवश्यकता क्या होता है, फाइनाइट नेचर का होता है। फाइनाइट मतलब समझ रहे हैं कि सीमित स्वरूप, परिभाषित स्वरूप का होता है, लेकिन रिपीटेटिव नेचर का होता है, पीरियोडिक नेचर का होता है। जैसे हम अभी खाना खा लिए तो ऐसा थोड़ा कि जीवन भर फिर खाने की जरूरत नहीं होगी, फिर 6-8 घंटे के बाद फिर भूख लगेगी, समझ रहे हैं। तो इसमें ये फाइनाइट नेचर का होगा और रिपीटेटिव नेचर का होगा। और जैसे ही आवश्यकता आंशिक अथवा पूरा रूप से पूरा हुआ तो हम किधर जाएंगे, सुरक्षा आवश्यकता की और चलेंगे, और देखेंगे
कि हमारा हम भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, भविष्य के रूप से, वित्तीय रूप से सुरक्षित है या नहीं। फिर हम इंश्योरेंस कर देंगे, मकान बनाएंगे, छत बनवाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कर देंगे ताकि अपना सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। ये आवश्यकता ये भी फाइनाइट प्रकृति का होता है, मतलब इसमें कितना भी इंश्योरेंस, जिंदगी भर सब पैसा इंश्योरेंस में थोड़े लगा सकते हैं। बस ये सुनिश्चित हो जाए कि अपना भविष्य सुरक्षित है। अगर ये पूरा हुआ नहीं तो फिर हम तीसरी आवश्यकता की ओर अभिमुख हो जाएंगे, वो क्या होगा, सामाजिक आवश्यकता। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज से बाहर तो रह नहीं सकता, इसलिए वह सामाजिक आवश्यकता की तरफ जाएगा और उन तौर तरीकों को अपनाएगा जो समाज में जो दूसरे लोग अपनाते हैं। तो हमारे यह भी बहुत फाइनाइट टाइप का आवश्यकता होता है। इसमें क्या होता है, वह सामाजिक तौर तरीकों को अपनाकर अपने आप को सामाजिक, मतलब सामाजिकता संबंधी आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करता है। तो अब आता है प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकता, इसको स्टीम नीड कहते हैं। हम मनुष्य चाहता है कि जो समाज में रहे उसमें उसकी प्रतिष्ठा हो, पहचान हो, और यह आवश्यकता आज के तारीख में ऐसे ही बड़ी महत्वपूर्ण हो गया है। और लोग आज प्रतिष्ठा पाने के लिए जो भी तौर तरीका है सब अपना रहे हैं। प्रतिष्ठा दो प्रकार से आपको मिल सकता है, या तो आप अपने कर्म से प्रतिष्ठा पाए, या फिर आपको पर्यावरण से मिला हो, जैसे विरासत से मिला हो। जैसे कोई IAS का बेटा है समझ रहे, तो उस बेटा को पिता का सम्मान मिला होता है, पिता के कारण उसको जो सम्मान मिलता है वो पर्यावरण से सम्मान मिलता है। और कोई लड़का अपनी मेहनत से IAS बना तो उसके प्रयास से वो IAS बने, उसको जो प्रतिष्ठा मिला। तो प्रतिष्ठा सोनिया गांधी को प्रतिष्ठा, या फिर प्रियंका वाड्रा को, रॉबर्ट वाड्रा को जो प्रतिष्ठा मिला किस विरासत से मिला हुआ है, समझ रहे। और जो कह सकते हो नीतीश कुमार को जो प्रतिष्ठा मिला उपलब्धि के कारण मिला हुआ, लालू प्रसाद यादव और जितने लोग रामविलास पासवान सब मेहनत करके आए, समझ रहे। तो ये सब वर्चुअली प्रतिष्ठा हुआ। तो प्रतिष्ठा में ये बड़ा मनुष्य के साथ देखिएगा, अब ये आवश्यकता बड़ा इम्पोर्टेंट टाइप का होता है। इसके अभाव में मनुष्य कैसा महसूस करता है, अपने आप को कमजोर महसूस करता है, अपने आप को इन्फीरियर महसूस करता है। इसलिए वह इस आवश्यकता को किसी भी तरीका से खास तरह पूरा करना चाहेगा। और महानगर में तो देखोगे यह आवश्यकता की भूख कुछ ज्यादा ही लोगों में होती है, और लोग इनके इन तरीका से प्रतिष्ठा पाने का भरसक प्रयास करता है। और अंत में अगर ये भी पूरा हो गया तो आपके मनुष्य की अंतिम आवश्यकता कौन होगी, स्व यथार्थीकरण की आवश्यकता। तो स्व यथार्थीकरण की आवश्यकता का मतलब क्या हुआ, स्व यथार्थीकरण की आवश्यकता का मतलब होता है कि वर्चुअली वह अपने सपनों को साकार करना चाहता है। वह अपने मतलब कह सकते हो मतलब इच्छा को साकार करना चाहता है, जो सपना देख अपने रचनात्मकता को साकार करना चाहता है, समझ रहे। इसमें उसको मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलता है, इसे भौतिक संतुष्टि नहीं मिलता है। ये मनुष्य की अंतिम आवश्यकता है। हर आदमी चाहता है कि वह, अगर उसकी दिली इच्छा होती कि मैं ये बनता वो बनता, लेकिन नौकरी पाने के चक्कर में, सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करने के चक्कर में उसे उसका अवसर नहीं मिलता। लेकिन जब ऐसा वो आवश्यकता अगर आदि पूरे हो जाते और उसके पास अवसर होता है तो फिर वह इसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसको स्व यथार्थ मतलब खुद को साकार करने की आवश्यकता को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब अपनी संभावना को साकार करना, अपने रचनात्मकता को साकार करना, इसी को हम लोग स्व यथार्थीकरण की आवश्यकता कहते हैं। क्लियर है। बाद में ऐसे लोग इस मतलब एक और आवश्यकता की बात कहते हैं जिसको हम लोग मेटा मोटिवेशन कहते हैं। मेटा मोटिवेशन मतलब क्या होता है, मतलब आप इन सब आवश्यकताओं को पूरा कर लिए और इससे बाहर निकलिए और आप तो आपका लेवल पहुंच जाएगा मेटा मोटिवेशन पे, उसको अधि प्रेरण कहते हैं। जैसे आपको जितना इन पांच आवश्यकता मैंने बताया सब पूरा हो चुका है। महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, वो चाहते थे, उनकी एक ही इच्छा थी, मनुष्य कष्ट में क्यों है, मनुष्य को कष्ट क्यों होता है, वो जानने की इच्छा उनकी थी। और उनके जानने की इच्छा पूरी कहाँ हुई, बोध गया में पूरी हुई। जब बोध गया में उनका ज्ञान प्राप्ति हो गया तो फिर क्या हो गया, फिर वो उस लेवल पर पहुंच गए कि घूम घूम कर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। उसी को मेटा मोटिवेशन कहते हैं, जिसको परालौकिक टाइप का कह सकते हो, आध्यात्मिक टाइप का कह सकते हो। तो बाद में और भी कई विचारक आए और आवश्यकता सोपान में दो तीन और आवश्यकता को जोड़े, जैसे सुंदरता इत्यादि से संबंधित आवश्यकता, ज्यादा ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता, अध्यापन की आवश्यकता, ये सब जो अध्यात्म जैसे कहते हैं ना अध्यात्म स्पिरिचुअल होता है, वो सब क्या हो सकता है। लेकिन मैसलो ने
मुख्य रूप से पांच आवश्यकता बतलाए थे, और बतलाए थे कि सबसे पहले मनुष्य शारीरिक आवश्यकता पूरा करता है, फिर सुरक्षा आवश्यकता में आता है, फिर सामाजिक आवश्यकता में आता है, फिर प्रतिष्ठा में आता है, फिर स्वयथार्थीकरण की आवश्यकता में आता है। एक दफा एक ही आवश्यकता ही प्रेरण के लिए उत्तरदायी होता है, और ये शुरुआत किधर से होता है? शारीरिक आवश्यकता से, और समाप्त कहाँ होता है? स्वयथार्थीकरण की आवश्यकता के होते। इसमें अगर आप देखो, इन आवश्यकता को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, निम्न स्तरीय आवश्यकता और उच्च स्तरीय आवश्यकता। तो प्रथम तीन आवश्यकता को आप निम्न स्तरीय आवश्यकता मान सकते हो, और अंतिम दो आवश्यकता को आप क्या मान सकते हो? उच्च स्तरीय आवश्यकता मान सकते हो। तो ये प्रतिमान बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये प्रतिमान जो होता है, मैनेजर को ये बहुत इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश देता है। समझ ये दिशा निर्देश देता है कि वह अपने अंदर काम करे कर्मचारी के आवश्यकता को जाने, और उसी अनुसार उसको पैकेज देकर प्रेरित करने का प्रयास करे। कोई आदमी सुरक्षा की आवश्यकता में, कोई आदमी प्रतिष्ठा के लेवल पर है, कोई आदमी स्व यथार्थीकरण के लेवल पर है, और जो जिस लेवल पर है आप उसको वैसा ही अवसर दीजिए और उसको प्रेरित कीजिए। इस मॉडल का ही संदेश है। क्लियर है? पहला संदेश क्या है कि आवश्यकता का प्रवृत्ति निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होती है, नंबर वन। नंबर दो, एक समय एक ही आवश्यकता अभिप्रेरण के लिए उत्तरदायी होता है। वैसे तो मैं आपको बतला दूं कि ये आवश्यकता इधर इतना वाटर टाइट डिमार्केटेड नहीं होता है, ओवरलैपिंग टाइप का होता है, लेकिन एक समय एक ही आवश्यकता काम कर रहा होता है। क्लियर है? और फिर जैसे ये जो होता है प्रबंधक के लिए क्या है? प्रबंधक पहचान है। जैसे कोई आदमी कल रिटायर कर रहा है आपके ऑफिस में, तो आपको क्या लगता है उसकी कौन सी आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है? ऐसे तो सुरक्षा आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। कल के बाद करेगा क्या? ये देखते हो सरकार पेंशन देती है, बहुत सारा रिटायरमेंट के पहले उसको प्रिविलेज देती है ताकि वह पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को सुनिश्चित कर सके। कोई आदमी आज ऑर्गेनाइजेशन में पहली दफा पहला दिन आया ही, कौन आवश्यकता इम्पोर्टेंट नहीं? शारीरिक आवश्यकता, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। तो इस प्रकार आपको ये चेक करना होगा कि आपके अंदर जो काम कर रहे कर्मचारी किस लेवल पर है, और जिस लेवल पर है उसको उसी तरह का पैकेज दीजिए और उस तरह से उसको मोटिवेट कीजिए। तो ये मॉडल बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल है, और ये जो है बहुत अरसे तक लोक प्रशासन को प्रभावित किया, और यह जो है शोध अनुसंधान को भी प्रभावित किया, और कह सकते हो व्यवहारिक दिशा निर्देश भी प्रदान किया। लेकिन कुछ एक आधार पर इसकी आलोचना भी होती है, जिसमें एक कुछ आलोचना है। एक आलोचना कहता है कि आम व्यवहार में जब हम देखते हैं तो ऐसा नहीं देखते कि जो मैस्लो ने आवश्यकता सोपान का जो क्रम दिखलाया शारीरिक सुरक्षा, वैसा आम व्यवहार में देखने को नहीं मिलता है। कई दफा ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति सीधे शारीरिक से प्रतिष्ठा और फिर उधर जा सकता है, तो व्यवहार में ऐसा देखने को मिलता नहीं है। एक आलोचना। दूसरा आलोचना कहता है कि स्व यथार्थीकरण की जो आवश्यकता जो लिखा है ना, बड़ा मोटा मोटी, बहुत वेग टाइप का है, बहुत अस्पष्ट है, समझ रहे हैं। तीसरा जो है पांच तरह की आवश्यकता जिसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा बहुत ज्यादा एलेबरेट होता है, इसका प्रैक्टिकली अप्लाई करने में मुश्किल है। मोटा मोटी तो आवश्यकता दो ही प्रकार का, लेकिन आपने उसको पांच वर्गों में बांट करके इसे और जटिल बना दिया। फिर आलोचक कहते हैं ये सुनने में तो ठीक लगता है, नहीं समझ रहे, लेकिन इसको लागू करने में थोड़ा कठिनाई होती है, समझ रहे। फिर कहता है कि ये जो आलोचना जो है, ये जो जो मॉडल जो है वह जनरल परिप्रेक्ष्य में ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन परिप्रेक्ष्य में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कर्मचारी के संदर्भ में इसको लागू करने में दिक्कत होगा, लेकिन इसके बावजूद भी एप्लीकेबल। मैंने भी तुरंत बतलाया कि कोई आदमी आज ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है उसकी समस्या, कल जो रिटायर कर रहा है उसकी समस्या, आज 6-8 साल से नौकरी कर रहा है उसकी समस्या, समझ रहे, जो 15 साल से नौकरी कर रहा है उसकी समस्या, ये पहचाना तो जाना जा सकता है। आवश्यकता मोटा मोटी का आइडिया लग ही सकता है, लेकिन यह मोटा मोटी से काम नहीं चलेगा। ये रिक्वायर एकदम स्टिक सटीक होना चाहिए, तभी हम उसको बेहतर ढंग से प्रेरित करेंगे, क्योंकि पांच इसलिए ज्यादा पहचान करने में थोड़ा कठिन होता है, हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहला सिद्धांत है जो इतना विशाल है, विस्तृत है, और दिशा को आगे बढ़ाया, और दूसरा ये शोध अनुसंधान को भी आगे बढ़ाया। ठीक है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, जिसको नाम है हाइजीन, इसको टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं, हर्जबर्ग, फ्रेडरिक हर्जबर्ग डेवलप किया है। इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं, या फिर इसको मोटिवेशन मेंटेनेंस थ्योरी भी कहते हैं।
समझ रहे, यह मैस्लो की आवश्यकता सोपान पर डेवलप किया गया उसका एडवांस रूप है, समझ रहे। या 1959 में एक लेख आया था फ्रेडरिक हर्ज़्वर्ग का, द मोटिवेशन टू वर्क, उसमें यह प्रकाशित हुआ था। उनकी पुस्तक का भी नाम है वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन, जो 1966 में आया था। क्लियर है? तो इसका नाम है टू फैक्टर मॉडल, जो मैस्लो की आवश्यकता सोपान से प्रभावित है, प्रेरित है, लेकिन अलग है। इस प्रतिमान को डेवलप करने के लिए हर्ज़्वर्ग जो है करीब 200 प्रोफेशनल्स का सर्वे किया, समझ रहे, और उसमें क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का इस्तेमाल किया, और 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट्स का इंटरव्यू लिया, और ये जानने की कोशिश किया कि वे अपने कार्य जीवन में सर्वाधिक संतुष्टि कब महसूस किए और सर्वाधिक असंतुष्टि महसूस कब किए, समझ रहे। तो उन्होंने पाया कि जो संतुष्टि को प्रभावित करने वाला जो घटक था, जो श्रमिकों ने बताया, और जो असंतुष्टि को प्रभावित करने वाला घटक था, दोनों अलग अलग थे। इस आधार पर उन्होंने टू फैक्टर मॉडल डेवलप किया, जिसका नाम है हाइजिन मोटिवेशन थ्योरी या मोटिवेशन हाइजिन थ्योरी। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। जैसे पहला वाला जो जिसमें उन्होंने सर्वे किया कैसे बदलाया जाए, आप अपने जीवन में, कार्यात्मक जीवन में सबसे ज्यादा असंतुष्टि कब महसूस किया, क्लियर। तो जो असंतुष्टि महसूस किया उसके बारे में बताया, उसके लिए उत्तरदायी कारण बताया, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया आरोग्य कारक, जिसको हम लोग हाइजीन फैक्टर कहते हैं। क्लियर है? यह कार्य का भाग नहीं होता है, लेकिन कार्य से जुड़ा होता है। क्लियर है? इसे कार्य पृष्ठभूमि भी कह सकते हो, यह कार्य, समझ रहे। संगठन में इनकी उपस्थिति रहेगी तो कर्मचारी कम असंतुष्ट रहेगा, और संगठन में अगर इनकी उपस्थिति ना होगी तो कर्मचारी अधिक असंतुष्ट होगा। यानी इसका हर समय तालुकात किससे रहेगा, असंतुष्टि के ज्यादा या अधिक होने से। इसका किसी भी तरीके से संतुष्टि से तालुकात नहीं है, इसका तालुकात केवल असंतुष्टि से। कर्मचारी को समय पर वेतन मिल गया तो असंतुष्टि कम हो गया, और नहीं मिला तो असंतुष्टि और ज्यादा हो गया। लेकिन कर्मचारी को वेतन से संतुष्टि नहीं मिलने वाला, ऐसा हर्ज़्वर्ग कहते। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। और दूसरा, जब उन्होंने पूछा कि अच्छे बतलाइए आपके कार्यात्मक जीवन में सबसे ज्यादा संतुष्टि कब मिला, फिर उसके लिए जो कारण बताया उसको उन्होंने नाम दिया प्रेरक कारण। वो कार्य का भाग होता है, समझ रहे, और कार्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, उसको उन्होंने जॉब कंटेंट बोला, समझ रहे। वो संतुष्टि का कारक है, संगठन में उनके होने से कर्मचारी संतुष्ट अधिक रहता, और ना होने से कम संतुष्ट रहता, समझ रहे। लेकिन उसका तालुकात केवल संतुष्टि से, इधर वाले का तालुकात केवल असंतुष्टि से, और इधर वाले का तालुकात केवल संतुष्टि से। तो जो आपको मैं डायग्राम बताया, प्लस या माइनस, इसी को आरोग्य कहते हैं, इसी को जॉब कंटेक्स्ट बोला, इसको हमने अभी प्रेरक बोला, इसको जॉब कंटेंट बोला, ये हो गया हाइजीन, ये हो गया मोटिवेशन। अब दोनों को मिला दो, ये थ्योरी बनेगा, हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी। क्लियर है? यानी संगठन में दो घटक होते हैं, एक घटक का नाम है आरोग्य घटक, एक होता है प्रेरक घटक। आरोग्य घटक कार्य के पृष्ठभूमि से तालुकात रहता है, कार्य का भाग नहीं होता है, लेकिन कार्य को प्रभावित करता है, समझ रहे। वह असंतुष्टि को प्रभावित करता है, संगठन में उनकी उपस्थिति कर्मचारी को कम असंतुष्ट रखता है, और अनुपस्थिति असंतुष्टि को बढ़ा देता है। इसमें उन्होंने संगठन की नीति, प्रशासन, पर्यवेक्षण, वेतन, सेवा शर्त, सुरक्षा, प्रतिष्ठा इत्यादि को रखा। क्लियर है? तो यह कार्य का भाग नहीं है, लेकिन कार्य से जुड़ा हुआ है, और इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति कर्मचारी के असंतुष्टि को प्रभावित करता है। और इधर अभिप्रेरक बिल्कुल उल्टा है, ये जो है कार्य का भाग है और कार्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, समझ रहे। इसमें उन्होंने उपलब्धि को रखा, कार्य चुनौती को रखा, जवाबदेहिता को रखा, विकास को रखा, और ये कार्य का भाग होते हैं, संतुष्टि का कारक होते हैं। इनकी उपस्थिति क्या होता है, कर्मचारी को अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, और अनुपस्थिति कम संतुष्टि प्रदान करता है। यानी कि एक असंतुष्टि को दूर कर देता है और एक संतुष्टि को बढ़ा देता है, तो दोनों का पैकेज, समझ रहे, संगठन में होता है तभी बेहतर परफॉर्मेंस होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आरोग्य कारक क्या करता है, बैकग्राउंड बनाने का काम करता है,
आपके असंतुष्टि को दूर करके जीरो लेवल पर ले आएगा। और आरोग्य अभिप्रेरक कारक क्या होगा, उसको बढ़ाकर 100% परफॉर्मेंस तक ले जाएगा। जैसे संगठन में आपको एक बेहतर कार्यदशा भी देना होगा, जैसे आपको बेहतर वेतन भी देना होगा, कर्मचारी को सुरक्षा भी देना होगा, प्रतिष्ठा भी देना होगा, उनको बेहतर पर्यवेक्षण भी देना होगा। तो ये सब आरोग्य कारक है। लेकिन इसके अलावा आप उन्हें विकास के अवसर दे, उपलब्धि का अवसर दे, कार्य के चुनौती और संभावना दे, वही प्रेरक का काम करेगा। और दोनों मिलकर वे अभिप्रेरण संगठन में बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कभी कभी हम लोग देखते हैं, सपोज करो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की संकल्पना करो जिसमें हम कर्मचारी को समय पर वेतन दे रहे हैं, ठीक है, उसका सुरक्षा पूरा है, सेवा स्तर भी बेहतर है, प्रतिष्ठा भी पूरा है, समझ रहे हैं, संगठन का नीति प्रशासन सब दुरुस्त है। क्या लगता है परफॉर्मेंस कर्मचारी कितना परसेंट होगा? 60%, 70%, 80%, 90%? कितना? समय पर वेतन मिल रहा है, आप सुरक्षित है, सेवा स्तर ठीक है, सब चीज दुरुस्त है। कितना होगा? 80% होगा मोटा मोटी। अब ऐसा करो कि जितना भी अच्छा चीज हमने दिया सबको विड्रॉ कर ले रहे। अब आपको समय पर वेतन नहीं मिलेगा, आपका सेवा शर्त को सब घींच लिया गया, अनाकर्षित कर दिया गया, सुरक्षा, तो आपका परफॉर्मेंस घट के कितना हो जाएगा? 20%, 10% देना होगा। तो ये जो 20% से 80% के जो बीच जोन बना, यही आरोग्य कारक के हुआ, या संतुष्टि को प्रभावित कर रहा। हम चाहते हैं कि आप 100% परफॉर्म करें, ना कि 80%, तो उसमें आरोग्य कारक काम नहीं करेगा, फिर उसके लिए ही प्रेरक कारक काम करना पड़ेगा। हम कलर का वेतन को 4 गुना बढ़ा दें, 8 गुना बढ़ा दें, तो आईएएस जैसा काम नहीं करेगा। आप चाहते हैं कलर जो है वो आईएएस जैसा काम करे, तो उसका कैपेसिटी को डेवलप करना पड़ेगा, उसका प्रशिक्षण देना पड़ेगा, उसकी क्षमता बढ़ाएंगे तभी वो आगे बढ़ेगा, होता है कि नहीं? तो वो अभिप्रेरक कारक। तो संगठन में एक काम, पहला काम कौन करता है? असंतुष्टि का दूर करने का आरोग्य कारक, और दूसरा जो होता है वह काम करता है असंतुष्टि को आगे बढ़ाने का अभिप्रेरक कारक। तो जो प्रबंधक होता है ये दोनों को मैनेज करके ब्रांड लेके चलता है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर ढंग से परफॉर्म करता है। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़े दिनों से स्ट्राइक चल रहा है, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, खाने का आवश्यकता पूरा नहीं हो रहा, तो उस परिस्थिति में आप अगर उसको कुछ समझाएंगे, बुझाएंगे, प्रबंध का फिलोसफी बतलाएंगे तो काम करेगा नहीं? उसके अभी देखो ना, बड़े इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है, लॉकडाउन में ही ले लो, लॉकडाउन में सरकार पैकेज लाए, लेकिन इसके बावजूद पैकेज लोगों को नहीं कर रहा, इंड्यूस नहीं कर पा रहा, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, चार्ज नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि आरोग्य कारक पूरा नहीं हो रहा। जब तक आरोग्य कारक पूरा नहीं होगा तभी प्रेरक काम करेगा नहीं। जब तक वह असंतुष्ट रहेगा तब तक संतुष्टि काम करने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले क्या चाहिए, इनका जो असंतुष्टि है उसको दूर करें, फिर संतुष्टि बढ़ाने का प्रयास करें, तभी काम करेगा। इसलिए आपको क्या चाहिए, कुछ पैकेज ऐसा दीजिए जो उसको आवश्यकता को तत्कालिक जो आरोग्य असंतुष्टि कारक उसको दूर करे, तब ये काम करेगा, तब पैकेज काम करेगा। अभी मेरे को भूख लगा हुआ है, नौकरी की जरूरत, पैसा की दिक्कत है, और आप बोल रहे हो पैसा लोन लो और बिजनेस स्टार्ट करो, तो बहुत दूर की बात है। पहले तो जिंदा रहे ये किसके लिए व्यवस्था करिए ना, खाएं क्या इसकी व्यवस्था करिए ना, तब आप लोन लेने की बात करें, होता है कि नहीं होता? तो सीधा दोनों का एक पैकेज होना चाहिए। क्लियर? तो पैकेज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट लोगों को इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो अभिप्रेरक को तो चार्ज कर रहा था, आरोग्य को एड्रेस नहीं कर पा रहा था। लॉकडाउन के कारण ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये काम करेगा ही नहीं करेगा, होता है कि नहीं होता है? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट यू रिक्वायर टू कीप इन माइंड। क्लियर है? तो इसमें जो व्यक्ति आरोग्य व्यक्ति से प्रभावित हो जाता है ना, उसको बोलता है एडम बिहेवियर होता है। एडम मतलब मनुष्य, जानवर जैसा, प्राणी जैसा व्यवहार करता है। और इसमें क्या चाहता है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि पर्यावरण से जो कष्ट मिल रहा है, चुनौती मिल रहा है, उसका निराकरण करना चाहेगा। और ये जो ही प्रेरक कारक होता है ये क्या होता है, ये होता है कह सकते इसमें आदमी एब्राहम बिहेवियर, प्राणी समान बिहेव करता है, और चुनौती उसको चुनौती मानता है और अवसर मानता है। अब यहाँ पर देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, कितने लोगों ने लॉकडाउन को चुनौती माना होगा और कितने लोगों ने लॉकडाउन को प्रॉब्लम माना होगा? क्या लगता है आपको, लॉकडाउन को चुनौती मानने वाला शायद 2-3% भी नहीं होगा। ज्यादातर ने उसको समस्या माना, आरोग्य कारक से जोड़कर देखा और यहाँ से हजारों हजार किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकल पड़े।
होता है कि नहीं होता। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट, बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो आरोग्य कारक और ये प्रेरक कारक दोनों का कॉम्बिनेशन हो तभी ऑर्गेनाइजेशन में काम बेहतर होता है। इसमें आरोग्य कारक का जो कामना करने वाले लोग होते हैं वह क्या होते हैं, वह प्राणी समान होते हैं, एडम भी है। जैसे आप मैस्लो मैग्रेगर का थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, तो थ्योरी एक्स यहाँ काम कर रहा है, थ्योरी वाई यहाँ काम कर रहा है। तो प्रवासी मजदूर वगैरह लोग ज्यादा जितने लोग हैं ना, सब ज्यादातर इन्हीं से प्रभावित और ग्रसित है। वो इधर सोचते भी नहीं, उनको जरूरत भी नहीं सोचने का। और बड़े बड़े उद्यमी वगैरह वगैरह जो है वो क्या है, सब इधर सोचते इधर आगे बढ़ते रहते। मेरी बात समझते, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जैसे आप कहा था कि विकासशील देशों में क्या देखोगे, ये ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, विकसित देशों में ये ज्यादा प्रभाव होता है कि नहीं होता है? देयर इज नो कंफ्यूजन। बचपन में ये ज्यादा प्रभावपूर्ण होता है, बड़ा में ये प्रभावपूर्ण होता है। समझ रहे? जैसे डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट, ये अंडर डेवलपमेंट का साइन है, डेवलपमेंट का साइन है। इसमें सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो आप प्रबंधक हो, आपके अधीन कर्मचारी काम करें, आप पहचान करो कि वो आपका श्रमिक किससे प्रभावित हो रहा है, इससे या उससे, नंबर वन। और नंबर दो, जो आप पैकेज दो, और पैकेज कुछ इस प्रकार हो कि वह उसका असंतुष्टि को भी दूर करे और संतुष्टि को भी बढ़ाए। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। ये सिद्धांत कुछ इसी प्रकार का संदेश देता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन के दो प्रकार के संगठन में घटक होते हैं, उसी आधार पर हम कर्मचारी को भी दो प्रकार से कर सकते हैं। कुछ कर्मचारी इसको से ज्यादा प्रभावित होते हैं, कुछ कर्मचारी इससे प्रभावित होते हैं। जो इससे प्रभावित होते हैं उनको ऐसा पैकेज दो, जो इससे प्रभावित होते हैं उसको वैसा ही पैकेज दो। अगर आप मिक्स कर दोगे, ऐसा आज व्यक्ति को ये दोगे तो उसको मजा आएगा, और ऐसा व्यक्ति को ये दोगे तो ये पता नहीं। जैसे आप देखते APJ हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, क्या लगता है, इधर थे कि इधर थे? निश्चित रूप से इधर थे। अगर प्रतिभा सिंह पाटिल को देखा जाए तो इधर थी, होता है कि नहीं होता है? चलो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा व्यक्ति उसको उसी तरह से पैकेज देने की बात करता है। क्लियर है? ये मॉडल भी मैस्लो के हस्बत के मैस्लो के आवश्यकता सोपान के मुकाबले थोड़ा बेहतर है, क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएबल नहीं, दो आवश्यकता है, दो घटक है, उसी घटक पर हमको आइडेंटिफाई करना है। ये ज्यादा आसान है, ज्यादा अप्लीकेबल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करना इसे ज्यादा आसान है। क्लियर है? लेकिन इसकी भी आलोचना होगी। तो इसकी आलोचना सबसे पहले क्या हुआ कि आपने 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट्स के मतलब सर्वे पर इसको डेवलप किया, और जो उन्होंने बोला होगा कितना सही बोला, क्या बोला, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। आपने केवल बोला जीएनओ में सर्वाधिक संतुष्टि और सर्वाधिक असंतुष्टि, लेकिन आम असंतुष्टि और संतुष्टि के बारे में तो पूछा ही नहीं, चलो सर्वाधिक पूछा। इसलिए ये थ्योरी थोड़ा सा बॉन्ड टू बी कंफ्यूजन होता है। जो सर्वे किया होगा उसका अपने भी तौर तरीका जो रहा होगा, वह इस रिसर्च को क्या क्या होगा प्रभावित किया होगा। दूसरा जो होता है कि जो पर्यावरण घटक जो होते हैं बड़ा प्रभावित करते हैं, इस मॉडल में उस पर वर्कआउट नहीं किया गया, समझ रहे? और तीसरा चीज जो है, इसमें संतुष्टि असंतुष्टि पर तो बात हो रहा है, लेकिन उत्पादकता पर बात ही नहीं हो रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, समझ रहे? मानवीय व्यवहार बहुत जटिल होता है, वह किससे ही प्रेरित होगा, किससे ही प्रेरित नहीं होगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस हिसाब से मॉडल थोड़ा त्रुटिपूर्ण है, लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट आज भी। क्लियर है? तो सबसे पहले इसकी आलोचना किससे संबंधित हुआ, सर्वे से संबंधित। दूसरा, मूल्यांकनकर्ता से संबंधित। तीसरा, पर्यावरण की अनदेखा करने संबंधित। चौथा, मनुष्य का व्यवहार बहुत क्या होता है, जटिल होता है, और किससे ही प्रेरित होगा, किससे प्रेरित कहना मुश्किल होता है। और पांचवा, यह संतुष्टि पर तो विचार करता, उत्पादकता पर विचार नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्होंने दोनों तरीका से मदद किया है, व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में भी और सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में भी। व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में इन्होंने प्रबंधकों के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए, और सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में इन्होंने शोध अनुसंधान के लिए आगे दिशा प्रदान आधार प्रदान किए, समझ रहे? तो इसी पर आप आज इस पर वर्कआउट करना। मैं असलो हर्जबर्ग का जो क्वेश्चन आया था, मैं ये बोलूंगा इसको आप कोशिश करना, जो आया है एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करना, जो 56वां में आया था, समझ रहे? क्वेश्चन ये है,
ये देखिए 53-55 में आया था। क्वेश्चन कहता है हर्ज़बर्ग के द्विघटक के सिद्धांत को प्रकाश डालिए। हर्ज़बर्ग का द्विघटक के सिद्धांत जिसको लिख डालिए पूरी तरह से, कुछ ऐसे चीजों को भी लिखिए जो इससे आप ड्रॉ कर रहे हैं। प्रकाश डालना थोड़ा ये हो जाता है कि जो चीज आप कुछ नहीं जानता उस पर भी आप रोशनी डालिए, ये भी इसके आयाम ही ये भी है। फिर दूसरा पूछता है इसे भारतीय लोक सेवा में किस पर लागू किया जा सकता है, तो भारतीय लोक सेवा में तो निश्चित रूप से लागू किया जा सकता है। जैसे आप देखो हर 10 साल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है, तो वेतन आयोग का गठन किया जाता है वह वेतन का वृद्धि कर्मचारी की सुरक्षा इत्यादि संबंध में वह रिपोर्ट करता है, उसको सरकार लागू करती है। इसके अलावा आप देखते हो 6ठा वेतन आयोग का अगर रिकमेंडेशन याद होगा तो उसने क्या कहा था, हर कर्मचारी के पूरे जीवन में कम से कम 3 पदोन्नति होना चाहिए, अभिप्रेरक में आ गया, होता है कि नहीं होता है। फिर इसने बहुत सारे और भी देखते रहते, एक अलग से मंत्रालय ही इनका बना दिया गया है जिनका नाम कार्मिक मंत्रालय, प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व करते हैं, समझ रहे वो किस में आ गया, इसमें हो गया। तो आप देखते हो कि मतलब ये प्रतिमान जो है इसमें आरोग्य अभिप्रेरक कारक का जो बातें कही गई है, समझ रहे हैं। ये लोक सेवा में तो भारत के लोक सेवा में तो बहुत हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जो उनका वेतन मिलता है, सुरक्षा मिलता है, आरोग्य का मतलब उनके सेवा शर्त है सब आरोग्य कारक से संबंधित है, और जो उनका ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको प्रमोशन दिया जाता है, उनके जॉब अपॉर्चुनिटी पर बढ़ गए, प्रेरक कारक पर है। अभी आप देखते हैं टीवी पर इतना कोरोना के क्रम में जो लोक सेवकों के लिए सुरक्षा स्वास्थ्य कर्मी के लिए जो प्रशंसा गीत गाए जाते हैं और किससे संबंधित से किससे निश्चित रूप से उनके अभिप्रेरण। सचिन तेंदुलकर बोलता है कि कोरोना वॉरियर को जहां आप देखे आप उनका आभार प्रकट करें ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे, अभिप्रेरण ऊंचा रहे। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सैनिकों का वेतन को बढ़ाकर बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह को बहुत ज्यादा बेहतर किया, वन रैंक वन पेंशन लागू किया गया, इससे संबंधित मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आप देखते हो कि लोक सेवा पर तो इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन हो रहा। आप विकासशील देश है तो विकासशील देश में थोड़ा इधर ही झुका रहेगा, आरोग्य कारक यहाँ पर ज्यादा डोमिनेंट रहता है क्योंकि गरीबी निर्धनता बेरोजगारी ज्यादा इम्पोर्टेंट। कितने लोग लोक जनता का सेवा करने के लिए चुनौती के लिए लोक सेवा ज्वाइन करते हैं, ज्यादातर लोग सुरक्षा के लिए वेतन के लिए सेवा शर्त के लिए लोक सेवा ज्वाइन करते हैं, यानी हाइजीन फैक्टर से ज्यादा प्रभावित लोग मोटिवेटर से कम। क्लियर है? तो ये जो मॉडल है ये हाइजीन मोटिवेटर का डिस्टिंग्विश करके एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दिया है, एक डिबेट एंड डिस्कशन का फोरा दिया है, उसके आधार पर हम इसको न केवल लोक सेवा के संदर्भ बल्कि जहाँ चाहे वहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत में बिहार में लोक सेवा वेतन आयोग कार्मिक विभाग प्रशंसा गीत ये सब का उल्लेख करके बतलाओ कि कैसे ये मॉडल इस्तेमाल हो सकता है। ओके थैंक यू। आप इसे वर्कआउट करना, मेरे को बतलाना। ओके ऑल द बेस्ट, एंजॉय।